हाई एवरी वन आई एम योर एजुकेटेड सोनाली एंड वेलकम टू युडे वी आर गोइंग टू स्टडी वॉट इज गवर्मेंट सी बी एस ई क्लास सिक्स से आज के कंटेंट क्या होने वाले हमारे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लॉस एंड द गवर्मेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वोट्स फॉर वेमेन Welcome to my class. I am Sunali. As I said, my subject is social studies and I am an educator at unacademy I've done my Bachelor of Arts honors from Ashoka University in Psychology and International Relations. I have worked as an academic researcher at multiple places and I can speak in Hindi and English. So, do you want to ace your school exams with An Academy? Yes, right. What do you need? Of course, you need to watch our YouTube channels and get all the content that is offered there. But if you want to absolutely ace your exams, you need the Unacademy Plus subscription. And guess what? With my code SP01, you can get flat 10% off on the subscription. Isn't that amazing? Let's get a little bit into plus subscription key features. Hai. So, you can learn live from the comfort of your home. You get unlimited access to all courses. You get taught by top educators of India on one platform. You get regular doubt clearing and answer writing sessions. You get exhaustive coverage of syllabus, mentorship, guidance, study material, practice test.

जिनका आप फायदा उठा के एग्जाम्स में और भी अच्छा कर पाए तो वॉट यू नीड यू नीड द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, वेयर यू गेट पर्सनल मेंडोशिप पर्सनल मेंडरशिप में आपको क्या क्या मिलेगा वन ऑन वन गाइडेंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स इन इंडिया यू गेट लाइव डाउट सॉल्विंग वीकली रिपोर्ट्स पेरेंट कनेक्ट स्टडी प्लानर एंड

अनअकेडमी फ्री स्पेशल क्लास के फीचर्स जानते हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग स्पेशल क्लासेस होती हैं अन प्लेटफॉर्म पे विच जिनका आप डेफिनेटली फ़ायदा उठा सकते हैं उसमें यू गेट लाइव रियल टाइम इंटर यूजिंग चैट एंड इमोजीज यू गेट आस्क क्वेश्चन यूजिंग द क्वेश्चन स्टैप यू कैन पार्टिसिपेट इन लाइव पोल क्विजिस पोल लीडरबोर्ड देख सकते हैं टू कंपेट विद योर फ्रेंड्स ठीक है लेट्स मूव इन टू आर लेसन फू टूडे विच इज वॉट इज गवर्नमेंट सी बी एस ई क्लास सिविक्स चैप्टर थ्री ना वॉट इज गवर्नमेंट अगर कोई आपसे ये सवाल पूछता है तो सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है हम सोचते हैं हमारी कंट्री के बारे में और हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के बारे में और सबसे पहले हमारे मन में आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि रूलिंग पार्टी से बनती है लेकिन अगर आप गवर्नमेंट को एक्चुअल में समझना चाहते हैं कि गवर्नमेंट वर्ड का मतलब क्या है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इज नॉट लिमिट टू आर रूलिंग पार्टी एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट हैज़ अ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस अंडर इट तो अ गवर्नमेंट इज नीडेड फॉर एवरी कंट्री टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन रेंजिंग फ्रॉम डिसीजन अबाउट वे टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ अनियंस वेन दे गेट टू एक्सपेंसिव और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अब गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं दे आर जस्ट नॉट अबाउट मेकिंग डिसजन्स एट द कंट्री लेवल लाइक जो बड़े बड़े डिसीजनस होते हैं बट ऑल्सो डिसीजनस लाइक रोड्स कहाँ बनेंगी या स्कूल्स कहाँ बनेंगे या फिर कोई कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हुआ है हम उसको कैसे डिक्रीज करें या किसी एरिया में हमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई की ज़रूरत है तो वो कैसे बढ़ाएं किसी एरिया में वाटर सप्लाई की जरूरत है तो वो कैसे बढ़ाएं तो गवर्नमेंट बढ़ा तो ये सब डिसीजन लेने में भी हमारा सपोर्ट करती है एक्चुअली वो ही डिसीजन लेते हैं ताकि हमारा सपोर्ट हो ठीक है दे ऑल्सो टेक एक्शन ऑन सोशल इशूज एंड अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स लाइक रनिंग पोस्टल या रेलवे सर्विसज तो जो भी ऐसी सोशल इशूज हैं ना जो पब्लिक uh, की सपोर्ट के लिए बनाए जाते हैं उसमें भी गवर्मेंट का बहुत इम्पोर्टेंट हाथ है एंड वो इन चीज़ की फंक्शनिंग और रनिंग के लिए डिसीजन लेती है और एक्शन लेती है जैसे कि पोस्टल सर्विसज जो इंडिया की हैं या फिर रेलवे सर्विसज है एनी थिंग विच इज़ कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो द गवर्मेंट इज ऑल्सो इन चार्ज ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज वन मोर थिंग दैट गवर्नमेंट इज इंचार्ज ऑफ इज प्रोटेक्टिंग आर बॉर्डर्स ठीक है गवर्नमेंट इज इंचार्ज ऑफ द डिफेंस फ्रंट प्रोटेक्टिंग आर बॉर्डर्स एंड मेकिंग श्योर दैट आर कंट्री इज प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम्स एक और चीज़ जो गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए कोलेबोरेशन विद अदर कंट्रीज आर इकॉनमी कैन ओनली ग्रो वेन वी आर डूइंग वेल विद अदर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या फिर जब हमारे जब हमारा ट्रेड रिलेशन अच्छे हों एंड हमारी बाकी कंट्रीज के सामने इमेज अच्छी हो तभी इंडिया का बढ़ेगा सब कुछ जी डी पी बढ़ेगा इकनॉमी बढ़ेगा ठीक है तो गवर्नमेंट हैज टू मेक श्योर एप्सल्यूटली कि जो बाकी कंट्रीज हैं उनके साथ भी गवर्नमेंट के रिलेशंस अच्छे रहें तो गवर्नमेंट हैज़ टू मेक श्योर कि उनकी डिप्लोमेटिक रिलेशंस, उनके फॉरेन रिलेशंस हर किसी कंट्री से जो स्ट्रेटिजिकली इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए एक तो हमारे नेबर्स के साथ रहें अच्छे रहें और क्या रहें पीसफुल रहें किसी भी कंट्री के साथ कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे पीस खराब हो ना हमारी कंट्री का ना दूसरी कंट्री का

जैसे कि कंट्री में एड ऑर्गेनाइज हुई हमारी आ, कुछ लोगों को जिनको ज़रूरत होती है राशनस की फ़ूड की मनी की उनको प्रोवाइड करे जाते हैं तो प्रोवाइड करना इज़ गवर्नमेंट्स ड्यूटी एंड असिस्ट करना अफेक्टेड लोगों को असिस्ट करना बेटर हॉस्पिटल्स बनाना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना जिसकी वजह से हमारी कंट्री में कोई भी सिटीज़न किसी भी मुश्किल से ना जाए या उसको बाय चांस कोई अफेक्ट होता भी है तो दे आर एबल टू गेट हेल्प दैट इज आल्सो द रोल ऑफ गवर्नमेंट ठीक है इफ़ यू वंडरिंग हाउ दीज आर डन अगर आप सोच रहे कि इतना सब कुछ जो है ये होता कैसे गवर्नमेंट ये सब करती कैसे या फिर ये करना ही क्यों है और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है तो आपको ये पता है कि लोग जो साथ में रहते हैं और काम साथ में करते हैं अगर दुनिया में इतने सारे लोग रह रहे हैं एक कंट्री में इतने सारे लोग रह रहे हैं सब अपना अपना काम कर रहे हैं सब साथ में रह रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है ना कि उनके बीच में कोई टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो उनके बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड हो उनके बीच में रूल्स बने हों तो ये सब क्या है दे शुड बी रूल्स एट अप्लाई टू एवरी ताकि पीसफुली वो लोग आपस में को कर पाए तो ये सब किसका काम ठीक है ये गवर्नमेंट का काम है तभी गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है क्योंकि सिर्फ अगर लोग रह रहे होंगे सब अपना अपना काम कर करोगे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है कोई भी अगर रूल्स नहीं होंगे कंट्री में तो कोई कुछ भी कर सकता है और किसी की भी कभी भी इन बढ़त नहीं हो नोबडी कैन पॉजिटिवली गेट मोर सक्सेसफुल और हेल्दी हैप्पी इफ़ देर इज़ नो रूल इन प्लेस ठीक है सो so, और एक और काम जो है गवर्नमेंट का वो ये है कि टेरिटरी को भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है हमारे बॉर्डर्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा अगर हमारी गवर्नमेंट हमारी आर्मी फोर्सेस को या एयर फोर्सेस को या नेवी uh, को डिप्लॉय नहीं करेंगी तो हमारे बॉर्डर्स हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर एवरी थिंग विच इज़ एयर इन कंट्री हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा एक्सटर्नल फोसेस राइट तो द गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज इट्स पावर मेक द डिसीजन ऑल्सो इम्प्लीमेंट द डिस इन दी तो गवर्नमेंट का क्या रोल है कि वो अपनी पावर यूज करके कोई भी डिसीजन बना सकती है डिसीजन the उसको एन्फोर्स कर सकती है जो भी उनकी टेरिटरी में उनके सिटीजन रह रहे हैं उनके ऊपर ठीक है नाउ लेट्स कम टू दवेंट सबको पता है कि गवर्नमेंट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है लेकिन इतनी सारी चीज़ें जो करनी है वो ऐसे जस्ट वो एक गवर्नमेंट टाइप कैसे करेगी इतने सारे रोल्स हैं ना अभी हमने जाना इतने सारे लेवल पे काम होता है किसी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज करना है तो किसी डिफेंस uh, के लिए वॉर टाइम के लिए आर्मी को डिप्लॉय करना है बॉर्डर प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर हमें रिसोर्सेस प्रोवाइड करने स्कूल्स बनाने सड़कें बनानी ये सब गवर्नमेंट कैसे करेगी कैसे करती है नाउ गवर्नमेंट ने भी लेवल्स डिवाइड कर रखे हैं अपने में तो द गवर्नमेंट वर्क्स इन थ्री डिफरेंट लेवल्स इन आर कंट्री एक तो है लोकल लेवल हमारे विलेज हमारे टाउन हमारी सिटी के लेवल पे हमारी होती है लोकल गवर्नमेंट ठीक है फिर आता है लेवल ऑफ द स्टेट जो कि स्टेट लेवल पे हो जाता है जैसे हरियाणा गवर्नमेंट असम गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट एवरीथिंग विच इज़ ऑन अ स्टेट लेवल फिर आता है नेशनल लेवल विच इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट विच रिलेट टू दी एंटायर कंट्री तो गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है तीन लेवल्स पे ठीक है लोकल स्टेट एंड यूनियन यूनियन इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट का पार्ट क्या क्या होते हैं और लोकल गवर्नमेंट के नीचे भी छोटी छोटी टाइप के गवर्नमेंट फंक्शन करती है ताकि लोकल गवर्नमेंट एफिशिएंटली फंक्शन कर पाए अब लोकल गवर्नमेंट में दो टाइप के अंडर टॉपिक्स हैं जो छोटी छोटी बॉडी जो फंक्शन करती है एक तो म्यूनिसपैलिटी और एक है पंचायत ठीक है म्यूनिसपैलिटी में क्या है म्यूनसिपट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन म्यूनिसपल काउंसिल नगर पंचायत और पंचायत में क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत इंटरमीडिएट पंचायत और विलेज पंचायत ठीक है अब हम आते हैं लॉज इन द गवर्नमेंट पे सो द गवर्नमेंट मेक लॉज दैट एवरी वन लिविंग इन द कंट्री हैज टू फॉलो अब गवर्नमेंट लॉज बनाती है ठीक है जिसको हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा हमारी कंट्री में ठीक है इट कैन नॉट ओनली मेक अ डिसीजन बट कैन इन्फोर्स इट ऑल्सो तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सिर्फ लॉज बना के छोड़ देती है गवर्नमेंट कैन एनफोर्स दो लॉज ऑल्सो इट विल मेक श्योर दैट दर लॉज इज बींग फॉलोड कैसे एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है सब लोग एक मोटर जो मोटर व्हीकल चला रहे हैं जैसे गाड़ी हो बाइक को तो सबको चाहिए एक लाइसेंस एनी पर्सन कॉ ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस कैन आई दर बी जेल और फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी तो अगर कोई भी किसी ने

You can यू कैन ड्राइव as मोटरसाइकिल एज लॉन्ग एज यू हैव अस टू ड्राइव इट एंड इफ यू डोंट है लाइसेंस या तो आपको fine देना पड़ेगा या आपको jail हो सकती है ठीक है सेम जैसे गवर्नमेंट का ये डिसीजन हो गया ये बना दिया और एनफोर्स कर दिया अब लोगों के पास भी कुछ ऐसी पावर है ठीक है जो अगर उनको लगे कि कोई लॉ है जो गवर्नमेंट ने बनाया है वो फॉलो नहीं हो रहा तो वो कैसे जाके उस चीज प्रॉब्लम को किसको बताएंगे और कैसे उसको ठीक करेंगे Example take them. If a person feels that they were not hired for a job because of their religion or caste, she may approach the court to claim that the law is not being followed. As you know, kya law hai ki, nobody can discriminate on the basis of any religion, caste, creed, gender, anything. Nobody can discriminate any person along any lines. Okay. तो अगर किसी को बाई चांस जॉब नहीं मिलती एंड उसको ये बोला जाता है कि आपको जॉब इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आप इस रिलीजन के हो या आप इस कास्ट के हो तो उसका मतलब लॉ नहीं फॉलो हो रहा है ना तो, तो जो पर्सन है जिसके साथ ये हुआ है वो कहाँ जा सकता है कोर्ट में जा सकता है वो जस्टिस सिस्टम को अप्रोच कर सकता है हमारे कंट्री के कोर्ट में जाके यू केन फाइल अ केस एंड से दैट यू नो मेरे साथ ये नाइंसाफी हुई है ये गवर्नमेंट का लॉ है जो वो लोग फॉलो नहीं कर रहे एंड उन्होंने मुझे जॉब नहीं दी विच इज रॉन्ग तो आप ये बताइए मैं आगे क्या करूँ एंड फिर कोर्ट डिसाइड करता है कि उस जो वो कंप्लेन लेके आया है वो सही है गलत है उसके आगे क्या करना है एवरी थिंग द कोर्ट टेल्स ठीक है नाउ लेट्स कम टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हु हुस द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स लॉ जो भी ये सारी ढंग मैंने आप बताया ना कि गवर्नमेंट इतने सारे टाइप के डिसीजन लेती है इतने सारे टाइप के लॉज बनाती है इतने सारे टाइप के यू you नो know, छोटी छोटे इतने सारे लेवल्स हैं गवर्नमेंट के लेकिन ये जो सारे लेवल्स हैं इन लेवल्स पे जो लोग बैठे होते हैं या ये जो रूल्स बनाते हैं कि जो डिसीजन लेते हैं हमारी कंट्री के लिए इनको ये पावर देता कौन है कि तुम ये डिसीजन ले सकते हो इनको ये जो लोग चुने जाते हैं इनको चुनता कौन है हु चूजे दीज पीपल हु फॉर्म द गवर्नमेंट हु डू डू इन कंट्री वी द पीपल गिव द गवर्नमेंट दिस पावर वाया इलेक्शंस एंड इलेक्शंस में क्या होता है यू वोट फॉर अ पर्टिकुलर पीपल और यू वोट फॉर अ पर्टिकुलर पार्टी एंड यू इलेक्ट देम एज योर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ये कौन से टाइप की गवर्नमेंट में होता है इलेक्शन डेमोक्रेसी में एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री तो हमारी कंट्री में कैसे फॉर्म होते हैं गवर्नमेंट इलेक्टेड पीपल से गवर्नमेंट फॉर्म होती है इलेक्ट कौन करता है उन्हें जनता इलेक्ट करती है पब्लिक इलेक्ट करती है सिटीजन इलेक्ट करते हैं अपनी खुद के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट टू गिव एक्सप्लेनेशन क्या है गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती अपनी मर्जी से ऐसा नहीं है कोई भी लॉ बना देगी कोई भी डिसीजन ले लेगी और लोग उसको क्वेश्चन भी नहीं कर सकते ऐसा नहीं है क्योंकि ये डेमोक्रेसी है क्योंकि हमने ही चूज करा अपनी गवर्नमेंट को तो हमारे पास भी राइट है कि हम उनके एक्शंस को क्वेश्चन करें एंड गवर्नमेंट को हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि उनके एक्शन के बिहाइंड उनका लॉजिक क्या है ठीक है अब ये तो होगी डेमोक्रेसी एक और टाइप की गवर्नमेंट होती है जो होती है मोनार्की मोनार्की में क्या होता है एक मोनार्क होता है या तो किंग होता है या क्वीन होता है हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट अब मोनार्क के पास क्या पावर होती है वो सारे डिसीजन ले सकता है उसी की गवर्नमेंट चलेगी एंड वो सिर्फ उसको किससे बात करनी है अपने डिसीजन लेने से पहले स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल से जिनसे वो कंसल्ट करे क्योंकि okay, ये सही है गलत है इसको मैं बेटर कैसे बनाऊँ लेकिन जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो मोनार्क के पास ही रहती है और अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी किंग्स एंड क्वीन्स है डिफेंड दर एक्शन डिसीजन दे मेक डेमोक्रेसी में तो द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल पीपल कैन आस्क क्वेश्चन गवमेंट हैड्स टू गिव आंसर्स but in a monarchy जो भी डिसीजन किंग क्वीन या जो भी मोनार्क है वो ले रहे हैं उनको किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है दे केन मेक एनी डिसीजन दे डोंट नीड टू डिफेंड दर एक्शंस एट ऑल मैं एग्जांपल देती हूँ फॉर एग्जाम्पल आज कोई मोनार्क है कोई किंग है जो एक कंट्री को रूल कर रहा है और उसने ये डिसीजन दे दिया कि भाई कल से

ठीक है अब ये सेम सिचुएशन अगर डेमोक्रेसी में होती है बाय चांस गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल बना दे कि कल से यू कैंट ड्राइव कार्स पीपल कैन गो एंड आस्क द गवर्नमेंट द रीजनिंग बिहाइंड रूल दे हैव टू एक्सप्लेन एंड इफ देर एक्सप्लेनेशन इज समथिंग विच द पीपल फील इज अनफेयर विच इज़ नॉट राइट पीपल कैन गो टू द जस्टिस सिस्टम फॉर हेल्प एंड द गवर्नमेंट विल हैव टू टेक बैक इट्स डिसीजन

उसमें क्या होता है एक लीडर होता है ठीक है जो एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म करता है लेकिन वो सुप्रीम लीडर बन जाता है उस गवर्नमेंट का अब किंग क्वीन को तो मिलती है अपने एनसेस्टल लोगों से गवर्नमेंट उन अगर किसी के पापा किंग थे तो उसका बेटा किंग बनेगा उसका बेटा किंग बनेगा उसका बेटा किंग बनेगा लेकिन अगर डिक्टेटरशिप है तो कोई भी ऐसा इंसान जो एक अपनी खुद की गवर्नमेंट बना के डिक्टेटर की तरह बाहर आ रहा है वो डिक्टेटरशिप रूल कर सकता है जो कि रूल बाय वन हो सकता है जैसे नाजी जर्मनी में हिटलर था हिटलर की डिक्टेटरशिप रूल थी जो उसकी गव ही हैड अ गवर्नमेंट लेकिन ऑल डिसीजंस वर टेकन बाय द रूलर एंड एवरीथिंग लाइक ही कंसल्टेड पीपल आल्सो लेकिन अल्टीमेटली सी है? आता हैलिगा की विच इज अ रूल बायू ओलिगा की नदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे फ्यू लोगों का रूल होता है अब उसमें भी सेम वे में मोनार की डिक्टेटरशिप की तरह आंसरेबल नहीं होते किसी को भी सिर्फ डेमोक्रेसी में होते हैं बट बिकॉज आर इलेक्टेड रिप्रजेंटेटिव फिर आता है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे लेकिन एक फॉर्म ऑफ बींग लाइक ए कंट्री विच इज एनआर की विच मीन्स रूल बाय नन एनआर का मतलब है कोई गवर्नमेंट ही नहीं उस कंट्री में कि और सो हो चुका है सब लोग एक दूसरे को मार रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं कोई रूल्स नहीं एग्जिस्ट करते कोई रिसोर्स नहीं है कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कुछ नहीं है वो कंट्री अपने आप सस्टेन कर रही है उस कोई टाइप का गवर्नमेंट ही नहीं है उसमें वो एन होती है तो एनआर की किस स्टेट में बोले जाता है कि जब ऐसे लगता है ना कि कोई कंट्री के ऑस में जाने वाली है जब वो खुद की गवर्नमेंट को उठा देते हैं उनकी सीट से कुछ भी जिनके अगेंस्ट अपराइजिंग करते हैं लोग ऐसा कुछ भी होता है तो उस टाइप ऑफ गवर्नमेंट उस टाइप की कंट्री को बोला जाता है कि इस कंट्री में तो एन हो गई है क्योंकि कोई रूलर ही नहीं सामने आ रहा कोई ऐसे ले ही नहीं रहा कंट्रोल कंट्री का तो वो क्या बन जाता है एनआर की एंड उसमें पीपल कैन डू वट एवर दे वॉन्ट सो द कंट्री गोज इन टू अ के देयर देर इज़ नो प्रॉपर रिसोर्स फॉर द पीपल पीपल कीप ऑन डाइंग पीपल कीप फ्लिंग द कंट्री उनको बाहर जाना होता है उस कंट्री से एनार्की की इज जस्ट के ऑस इन शॉर्ट ओके तो फिर हम आते हैं जैसे इंडिया की बात करें तो हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स पे आते हैं अब हमें भी पता है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी अभी तो है इंडिया डेमोक्रेसी लेकिन इट इज़ अ डेमोक्रेसी एज अ रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल तो डेमोक्रेसी ऐसे तो नहीं है कि शुरू से ही हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री थे नहीं ना जो एक लॉन्ग और इवेंटफुल स्ट्रगल रहा है इंडियन पीपल का उसी वजह से हम डेमोक्रेसी बन पाए अदर प्लेसिस इन द वर्ल्ड हैल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसीज तो हर कंट्री ने अराउंड द वर्ल्ड स्ट्रगल करी है ताकि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन पाए ताकि लोगों को अलाउ कर लोगों के पास वो राइट हो कि वो अपने इलेक्टेड रिप्रजेंटेटि खड़े कर पाए जो उनको रूल करें जो सॉर्ट sort ऑफ of, उनके लिए डिसीजन लें रूल करें नहीं जो उनके लिए डिसीजन लें अब डेमोक्रेसी होना इतना अच्छा क्यों है क्योंकि द मेन फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट दे रीडर्स सो दैट इट कैन बी कॉल्ड अ रूल बाय द पीपल द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल दैम सेल्व बाई पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग ऑफ दिज रूल्स अब डेमोक्रेसी इतना अच्छा आइडिया क्यों है क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोगों के पास पावर है कि वो अपना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर दें एंड वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उसके बाद सब उन जो जिन लोगों ने उसको इलेक्ट करा है उन सब के बिहाफ पे रूल क्रिएट कर पाए डिसीजन ले पाए उससे क्या होगा कि जो ये पार्टिसिपेशन है लोगों की इन मेकिंग दीज रूल्स वो भी होती है फिर ठीक है क्योंकि वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं so be democracy, that it is a nice, it is a good, and it's actually the perfect type of government that should exist because the people are in charge of their own decision-making, in a sense, indirectly. they are involved in the decision-making process. Okay? democratic governments are also usually referred to as representative democracies in which people do not participate directly, but instead, चूज दे आर रेप्रजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस तो अब डेमोक्रेटिव गवर्नमेंट्स को क्या बोलते हैं और उनका एक और नाम है विच इज रेप्रजेंटेटिव डेमोक्रेसीज इसका क्यों ये नाम है इसका मतलब है कि लोग डायरेक्टली नहीं पार्टिसिपेट कर रहे इन द डिसजन मेकिंग प्रोसेस लेकिन बाई चूजिंग देर रेप्रजेंटेटिवस थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस दे आर इनडली पार्टिसिपेटिंग दैट इज़ वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्रजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो ये रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं लोग दे मीट टूगेदर दे फॉर्म एन ऑर्गनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड दे मेक डिसिजन्स सब के लिए तो यही रिप्रेजेंटिटिवस जो लोग बना रहे हैं इनको इलेक्शन के थ्रू वही लोग मिलकर डिसीजनस लेते हैं सब के लिए इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री के लिए

जो रिप्रेजेंटेटिव हैं कैसे इलेक्ट होंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्या मतलब है कि ऑल इन द कंट्री एनी वन अब एटीन इज अलाउड टू वोट इन द जनरल इलेक्शन उसका मतलब है कि तभी कि तभी तुम डेमोक्रेसी अपनी कंट्री को बोल सकते हो जब ऑल अडल्ट आर अलाउड किसी को ये नहीं कि तुम मना कर रहे हो वोट करने से अगर वो एटीन अबव है तो दे कैन वोट इन द जनरल इलेक्शन दैट इज वन कंडीशन ऑफ बींग अ डेमोक्रेसी लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता ठीक है दे वॉज अ टाइम वेन गवर्नमेंट डि नॉट अलाउ वन या पुअर पीपल टू वोट इन अलेक्शन एक टाइम था जब गवर्नमेंट सिर्फ मैन को वोट करने देती थी अबव द एज ऑफ एटीन ना वुमेन कोल आउट करती थी ना पुअर लोगों कोल आउट करती थी तो जो बिल्कुल इनिशियल फॉर्म्स जो गवर्नमेंट है ना बिल्कुल शुरू-शुरू में जो गवर्नमेंट्स फॉर्म होती थी उसमें क्या होता था कि मेन अलाउड होता था टू तो वोट उन्हीं को अलाउ होता था उन्हीं को अलाउ होता था एजुकेटेड होना उन्हीं को अलाउ होता था प्रॉपर्टी ओन करना वोट करना इसका मतलब कि जो वुमेन है और जो पुअर लोग होते थे उनको ना एजुकेशन अलाउड होती थी ना उनको प्रॉपर्टी ओन करना अलाउड होता था ना उनको वोट करना अलाउड होता था अपनी गवर्नमेंट के लिए ठीक है द कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय अ फ्यू मेन तो तभी जब अलाउ ही नहीं करोगे कि तुम किसी पुअर को या किसी वुमेन को इस प्रोसेस पा में पार्टिसिपेट करने में भी तो कंट्री क्या होगा उच ही रूल्स और रेगुलेशन से चलेगी जो कुछ ही आदमी मैन ने मिल के बनाए होंगे इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड टू वोट एंड दे देर फोर केम टूगेदर टू डिटरमिन द फेस ऑफ द मेजोरिटी तो इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले क्या होता था कि बहुत ही छोटी माइनॉरिटी को वोट करना अलाउड होता था सिर्फ रिच अपर क्लास मैन ठीक है और वही साथ में आके जो भी डिसीजन लेते थे वो पूरी मजॉरिटी पे अप्लाई होते थे तो वोट इतनी छोटी माइनॉरिटी कर रही है लेकिन उनके जो डिसीजन है वो सबके लिए एप्लीकेबल है बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया में अलाउड ही नहीं था उस माइनॉरिटी के अलावा किसी को वोट करना ठीक है मैनी पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वो शॉक्ड द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड डिमांडेड दैट ऑल एडोल्टे द राइट टू वोट गिविंग राइट टू फ्रेंचाइज तो बहुत लोग थे जिन्होंने इस चीज़ के अगेंस्ट बोला जिन्होंने बोला कि दिस इज नॉट राइट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एक छोटी सी माइनॉरिटी वोट करके पूरी मेजोरिटी के सारे डिसीजन ले रही है ना तुम वुमेन को अलाउ कर रहे हो ना तुम पुअर लोगों को अलाउ कर रहे हो वोट करना विच इज़ वेरी अनफेयर एवरी एडल्ट एवरी लॉफुली एटीन ईयर ओल्ड एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री शुड बी अलाउड टू वोट तभी जाके इतने सारे लोगों की स्ट्रगल के जाके बाद उन्होंने डिमांड करा कि यूनिवर्सल एडर्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए दैट इज हाउ इट केम टू बीइंग एंड दैट इज हाउ एवरी वन देन अलाउड टू वोट उससे पहले नहीं होता था ठीक है एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया देन यू कम इन इज जैसे हमने अभी बात करी कि बिफोर इंडिपेंडेंस किसी को वोट करना अलाउड सब को वोट करना नहीं अलाउड था सिर्फ एक स्मॉल सेक्शन एक माइनॉरिटी जो कि ब्रिटिश ने या जो कि उस टाइम की गवर्नमेंट ने डिसाइड करी थी सिर्फ दे कुड वोट तो क्या होता था कि बहुत ज़्यादा अनफेयरनेस इस चीज़ की वजह से पैदा होती थी एंड इसी चीज़ की वजह से जो भी लोग थे जो बाकी थे उस माइनॉरिटी के अलावा जो भी लोग एग्जिस्ट करते थे वो कोशिश करते थे कि वो भी अपना राइट टू वोट ले पाए बिकॉज उन्हें भी राइट टू वोट था लेकिन उनसे वो राइट right नहीं दिया गया था उनको तो काफ़ी अराउंड द वर्ल्ड ऐसी बहुत सारी मूवमेंट शुरू हुई ऐसी सारी स्ट्रगल शुरू हुई ऐसी प्रोटेस्ट शुरू हुए विच वॉज आस्किंग फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज विच इज

या वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कोई भी इंटरफेरेंस आए किसी भी और की तो दे विल ऑलवेज ट्राई दैट जो मजॉरिटी पावर है वो उन्हीं के हाथ में रहे गवर्नमेंट के हाथ में रहे एंड किसी और के पास ना जाए और जो वोट करें उनके लिए वो हमेशा उन्हीं के फेवर में वोट करें अगर पूरी पॉपुलेशन वोट करेगी तो वो वोट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे वो आ, लोगों को बहका नहीं पाएंगे कि तुम सब हमारे लिए वोट करो अगर छोटी माइनॉरिटी वोट करी है तो वो शायद वोट्स को अपनी तरफ बहका पाए तभी कोई भी गवर्नमेंट विलिंगली पावर शेयर नहीं करती थी कहीं भी वर्ल्ड में ऑल ओवर यूरोप एंड यू एस ए विमेन ऑफ द पुअर हैव टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट अब इंडिया के अलावा भी ऑल ओवर यूरोप में यूएसए में वेमेन एंड पुअर हैड हैव टू फाइट उन्हें लड़ना पड़ा, ताकि उन्हें पार्टिसिपेशन मिले टू चूज देयर ओन गवर्नमेंट दे हैड टू फाइट फॉर द राइट टू वोट विमेन स्ट्रगल टू वोट स्ट्रेंथ इन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड केम टू बी कॉल्ड द वमेन्स सफरेज मूवमेंट एज द टर्म मीन्स द राइट टू वोट तो जो विमेन की स्ट्रगल है मेनली जो हम बात कर रहे हैं ना कि विमेन और पुअर लोगों को नहीं अलाउड था वोट करना तो जो ये विमेन्स का स्ट्रगल है टू वोट टू बी अलाउड टू वोट ये कब स्ट्रेंथन हुआ और कब इनिशिएट हुआ सबसे ज्यादा यूज कब हुआ फर्स्ट वॉर वॉर की ड्यूरिंग उस टाइम पे विमेन ने साथ आके क्या डिमांड करा कि हमें राइट टू वोट चाहिए एंड ये जो मूवमेंट क्रिएट हुई इससे कि वेमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड व कमिंग टुगेदर टू डिमांड कि दे शुड बी अलाउड द राइट टू वोट दिस मूवमेंट वॉज कॉल्ड द वुमेन्स सफरेज मूवमेंट क्यों इसका नाम ये क्यों रखा गया क्योंकि सफरेज वर्ड का मतलब होता है राइट टू वोट ठीक है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर मैनी ऑफ द मैन वर अवे फाइटिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस वेमेन व कॉल्ड टू डू द वर्क दैट इज अर्लियर कंसिडर टू बी मैंस वर्क अब जब वॉर का टाइम चल रहा था जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो बहुत सारे मैन वर डिप्लॉयड टू फाइट इन द वॉर दे वर डिप्लॉयड अपनी अपनी कंट्रीज की आर्मी ने मैन को लगाया हुआ था टू फाइट इन द वॉर लेकिन उनकी जो जॉब्स थी वो जो एग्जिस्टिंग काम करते थे कंट्री में अब कंट्री की फंक्शनिंग तो नहीं रुकनी चाहिए अगर वॉर चल रही है क्योंकि लोग तो हैं फीड करने को लोग तो हैं जिनकी नीड्स हैं तो जब वो लड़ने जाते थे आर्मीज में बैटल्स वॉर में पार्टिसिपेट करते थे तो जो उनका काम होता था पहले का जो अब वो नहीं कर पा रहे वो कौन करता था वेमेन एंड ये जो काम जो पहले समझा जाता था कि इट्स ओनली मेंस वर्क वॉज नाउ बींग डन बाय मैनी ऑल्सो इस चीज की वजह से दिस लेड पीपल टू तो री थिंक वाई दे हैड क्रिएटेड सो मैनी अनफेयर स्टीरियोटा अबाउट वीमे एंड वॉट देवर केपेबल ऑफ डूइंग ये जो चीज़ हुई ना कि जब आदमी लोग मैन वेन टू फाइट द वॉर एंड वेमेन डि दर्क जो वो पहले करते थे इसकी वजह से काफी लोगों को री थिंक करना पड़ा कि यार हमने ऐसे स्टीरियोटाइप क्यों बनाए हुए हैं कि वेमेन ये काम नहीं कर सकती या वोट नहीं दे सकती या ये ही नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती जबकि अब जब मैन नहीं है ठीक तो है, है? हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था क्या होता है ठीक है जेनरल थाट अबाउट अ थिंग और अ पर्सन जो कि आसानी से चेंज नहीं होता तो स्टीरियोटाइप कर दिया था इन लोगों ने कि वेमेन ये नहीं कर सकती वेमेन वो नहीं कर सकती लेकिन वॉर की सिचुएशन की वजह से इनको काफी थिंक करना पड़ा कि नहीं यार ये काम तो कर रही हैं मतलब इसका मतलब हमने अनफेयरली ये, ये नहीं कर सकती वो वो नहीं कर सकती राइट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन की वजह से वर आल्सो सीन एज इक्वली केपेबल ऑफ मेकिंग डिसीशन तो ये जो पूरी चीज हुई थी उसके बाद ये सॉर्ट sort ऑफ of लोगों ने सोचा कि नहीं यार दिस इज रॉन्ग विमेन की भी इक्वली केपेबल है इक्वली उनका राइट right है टू मेक डिसीजन एंड वो कर सकती है दे कैन मेक द दफरेजिट्स सफरेजिट्स कौन थे जो सफरेज विमेन सफरेज मूवमेंट के लिए लड़ रहे थे उन्होंने क्या डिमांड करा द राइट टू वोट फॉर ऑल वेमेन एंड टूगेदर डिमांड्स हर्ड दे चेंज दमसेल्व टू रेलिंग इन पब्लिक प्लेसेस नाउ ये प्रोटेस्ट मूवमेंट जो चल रही थी विमेन्स सफरेज मूवमेंट इसमें सफरेज ने जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने क्या डिमांड करा कि ऑल वेमेन शुड बी गिवन द राइट टू वोट एंड ये डिमांड को और भी ज्यादा वेट देने के लिए ताकि उनकी डिमांड सुनी जाए उन्होंने क्या करा पब्लिक प्लेसेस में अपने आप को रेलिंग से पोल से चेन कर लिया अपने को चेन से पब्लिक प्लेसेस में से चेन करके अटैच कर लिया उसके बाद क्या हुआ क्योंकि ऐसे उन्होंने करा तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कोशिश करा कि उनको प्रिजन में डालें ठीक है उसके बाद विमेन ने और कैसे लड़ाई करी प्रिजन भी गई वो हंगर स्ट्राइक्स करी उसके बाद उनको जबरदस्ती खिलाया जाता था क्योंकि वो हंगर स्ट्राइक करके लोग मरने शुरू हो गए तो फिर उनको फिर फोर्स फीड करती थी गवर्नमेंट की नहीं तुम खाना तो खाओ तुम्हें हम जबरदस्ती खाना खिलाएंगे लेकिन तुम्हारा हम राइट नहीं देंगे तुम उनकी मूवमेंट इतनी स्ट्रगल से चली है ऐसे नहीं कि बहुत इजी मूवमेंट थी कि उन्होंने सीधा उठ के आज बोला कि हमें राइट टू वोट दे दो और ऐसे मिल गई सालों 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 तक ये मूवमेंट चली है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग उसके बाद भी तब जाके पहले सबसे पहले अमेरिका में विमेन गॉट द राइट टू वोट इन नाइनटीन ठीक है वाइल सेम उसके बावजूद बहुत सालों तक कुछ नहीं हुआ यही सेम मूवमेंट चलती रही अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में एंड यू के में यही सेम प्रिवेज प्रिवलेज नहीं बोलूँगी मैं सॉरी बट यही सेम राइट टू वोट ऑन द सेम टर्म एज मैन केम इन नाइनटीन ट्वेंटी एट तो अमेरिका में 1920 में मिली और यूके में फिर भी और आठ साल लगे 1928 में मिली सेम राइट टू वोट जैसे ये देखिए आप ये एक आर्टिकल बैक इन मद्रास दुम सफरेज रेजोल्यूशन वेन विमेन वन द वोट है ना मद्रास द फर्स्ट जो मद्रास जगह है वहां पे ऐसा पहली बार हुआ था कि इनको सफरेज़ अलाउ करा वोट करना एंड वहां पे इलेक्ट करा वीमेन को ठीक है यू कैन सी इस फोटो में जैसे अपनी आइडेंटिटी प्रूफ लेके वेमेन लाइन में लगी हुई है टू वोट फॉर देर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सो ऑल दिस प्रोसेस टुक अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम दिस वॉज अट्रगल नाउ दैट वी नो एवरी वन एवरी एडल्ट एज ऑफ एटीन होज सिटीजन ऑफ इंडिया कैन वोट फॉर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लेकिन हम यहाँ एक दिन में नहीं पहुँचे हैं सालों सालों की स्ट्रगल के बाद सबको ये अपरचुनिटी मिली है कि वो अपने इलेक्टेड रिप्रजेंटेटिवस को वोट कर पाएँ तभी डेमोक्रेसी इज़ दम Perfect example of a type of government that should exist in every country of the world. Democracy is the ideal. Democracy is a Because people choosing their own leaders is very important. And we should never take our right to vote for granted. Whoever is allowed to vote should vote in the country. So that the democracy is maintained and we can

काफ़ी इजी होगा इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करना एग्जाम में दिस चैनल इज क्लास पार्ट इट शुड बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एनी एग्जाम प्रेपरेशन यू गेट कंप्लीट कॉन्टेंट इन वन वीडियो सोशल स्टडीज के लिए सिक्स थर्टी पी एम न्यू वीडियोज कम अप एवरी डे एंड लाइक दिस वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हेल्प दैम सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड Let's crack it with Unacademy. I hope to see you next lesson. All the best.